और क्या ने आज स्टार पहन रही है टोपी। अच्छा तो भाई अब ये है कि हमारे बन रहे हैं समोसे और वो रेसिपी ली जा रही है मम्मा से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पापा जब ब्लॉग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे हम क्या बात कर रहे हैं। क्यों भाई पापा? गुड्डू भाई बता नहीं जिंदा है कि मर गए। गुड्डू भाई ने अगर ब्लॉग देख लिया। ओए भाई आपको हमारा सलाम। नहीं जानते हो अच्छे बंदे थे। अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग, वेलकम बैक टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग। हाँ जी, बहुत दिनों बाद हम वापस आए हैं। हम एक क्वाइट छुट्टी पे थे, हम एक क्वाइट छुट्टी पे गए हुए थे और कहाँ गए थे हम आपको नहीं बताएंगे बाहर। और दूसरा है कि हम और सबसे पहले आप सबको रमज़ान करीम, रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। आज हमारे फिनलैंड में है फर्स्ट रमज़ान और पहली रमज़ान की आज इफ्तारी आपके साथ करेंगे इंशाल्लाह इस ब्लॉग में। और हम बस बाहर निकले हैं कुछ सामान लेने के लिए। ज़बरदस्त मौसम है तो स्प्रिंग की वाइब्स आना शुरू हो गई है हमारे। सर्दी जा रही है लेकिन सर्दी भी ऐसी है कि इस वक्त टेम्परेचर अगेन इट्स लाइक 4, लेकिन बहुत अच्छा। बहुत दिनों बाद आपको एक क्या कहते हैं धूप देखने को मिल रही है। अस्सलाम वालेकुम, से हैप्पी रमजान। हैप्पी रमजान। रमज़ान जो है वो सिर्फ इफ्तारी का नाम नहीं है, ये पूरे रोज़े में आप इतने सारे अच्छे अच्छे काम करते हैं, इबादत करते हैं। अच्छा भाई, तो हम घर आ गए और इफ्तार में बस अब ऑलमोस्ट 2 घंटे रह गए, तो इफ्तार की तैयारी करने शुरू करें। ठीक है, अब आज कैसी गुजरती है पहली इफ्तारी हम आपको दिखाते हैं। और साथ में हमारे साथ रज़ा भी है, ये बैठा हुआ है। तो रज़ा आई डोंट नो कुछ बनाने में लगे हैं। रज़ा क्या बना रहे हो आप? कुछ भी नहीं, मैं तो आलू छील लूँ। अच्छा ठीक है, ओके जी। तो ये आलू बॉईल हो रहे हैं और सॉरी ऑयल ऑयल कह रहा हूँ, पोटैटो जो है वो बॉईल हो गए और रज़ा जो है उससे छील के उसे मैश कर रहे हैं। तो अब हरीका इसके अंदर बनाएंगे रेसिपी को अच्छी थी। तो और ये रेसिपी जो है हमारी मम्मा की रेसिपी इंशाल्लाह इस बार यूज़ होगी, क्योंकि मुझे बहुत याद आ रही है मम्मी के समोसों की। तो रात को भी हमने पूछा था मम्मा से और वही बनाएंगे। साथ में और भी चीज़ें बनेंगी, दिखाते हैं आपको आज हमारी पहली इफ्तारी फिनलैंड कैसे गुजरती है। घर बहुत याद आ रहा है, ऑब्वियसली मुल्क अपना है, लोग अपने पेरेंट्स और वो एक अपनी एक वाइब होती है। और लेकिन हम फिर भी हम कोशिश करेंगे वही चीज़ रिपीट करने के लिए और स्टेटमेंट आपको और भी दिखाते हैं पूरे ब्लॉग में। ठीक है जी। और क्या ने आज इफ्तार पहन रही है टोपी। अच्छा तो भाई अब ये है कि हमारे बन रहे हैं समोसे और वो रेसिपी ली जा रही है मम्मा से, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो फिर हम आलू समोसा देखते हैं कि कैसा बनता है, क्योंकि वो हर साल वो जो ट्रेडिशनल हमारी मम्मा बनाती हैं घर में, तो हम उसी स्टाइल पे बनाना चाह रहे हैं। अव्वल तो अधिका ने कीमे के समोसे बना लिए हैं, रोल्स बना लिए हैं और तो बस ये है। क्या करूँ मम्मा जी? अच्छा तो भाई हमारा ये जो समोसे का आलू समोसे के जो मटेरियल है बैटर वो रेडी हो गया है। तो ये ऑनलाइन मम्मी से रेसिपी लेके बनाया, तो अब देखते हैं कैसा बनता है। टेस्ट तो कर नहीं सकते, अब मैं हजीक हम मिलके इसको दोनों हम इसको फिल करेंगे। सर थोड़ा सा वो मिर्चों की ऐसे फील हो रहा है और फिर आपको पूरा दिखाते हैं इंशाल्लाह। अब हम लोग अपने समोसे बनाने लग गए। हमारे इफ्तार में मेरे ख्याल से लेस देन 45 मिनट्स रह गए। तो हदीका जो है उधर तैयारी कर रही है समोसों की पकौड़ों की, मैं यहाँ पर कोशिश में लगा हूँ बनाने की। और ये देखिए मैंने 2 बनाए हैं इधर, तो आई डोंट नो अभी वीडियो की वजह से मैं घबरा ना जाऊँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। ठीक है, ऐसे किया जैसे तो जहाज़ बनाते थे, ऐसे किया। ये टेक्निक है जी, ये करने के बाद ये इसको ओपन किया, ये इसमें जाएगा। ये मेरे समोसे की दुकान नहीं थी लेकिन मुझे फिर भी मजीका ये तो नहीं रहा।
गिर नहीं रहा। गिराओ आप पावर ये इसकी की। अच्छा एक काम करें, नहीं ना इस पे थोड़ा ऑयलिंग कर देंगे, ये देखो थोड़ा सा ना इस पे ऑयल डालते हैं। ये क्यों रजा देखो कैसा ट्रायंगल तो अच्छा लग रहा है, ऐसे ही है ना, नाइस वेरी गुड ठीक है। मैंने ट्रायंगल बनाना कल सीखा उधर यूट्यूब से, और ये रेसिपी जो है अब देखते हैं आज कैसे बनते हैं। बारह ठीक है, और क्या बन रहा है इफ्तार में? आलू के पकोड़े, छोले, समोसे, बस फ्रूट खाना है। फ्रूट चाट, फ्रूट चाट रजा, फ्रूट चाट बनाएगा रजा है। आप फ्रूट चाट कब काटना शुरू कर दो, टाइम हो रहा है, कुछ कर लो ठीक है। मैं खाना बनाऊंगा, लो जो खाना ही नहीं किसी का। चलो भाई ठीक है, आपको कंटिन्यू करते हैं आगे, फर्दर चीजें दिखाते हैं। फिलिपी ये वो एक वीडियो थी ना बड़ी, ये अब मैं बना रहा हूँ जी कीमे के समोसे, आलू के बन गए हैं। कीमा नहीं, कैमरा ऑन हुआ है, बच्चे ने रोना शुरू किया। ये हम कीमे के कल हमने फिलिंग बना के रख दी थी, ऐसा ही है। तो अब रजा क्या कर रहे हो, ये अंदर से गैप भी निकल रहा है जिसके अंदर से ये थोड़ा सा होता है ब्लैक ब्लैक। ये हम बाकी इफ्तारी के बाद जो है ना कुछ चल रहा है। हाँ चार हो गए कीमे के ना, फिर एक और बना ले, ये दो ये खत्म करते हैं, दो है ना। कीमे की फिलिंग थोड़ी कम कर, ज्यादा नहीं फिल करें, हाँ क्योंकि वो स्ट्रांग होता है ना। हाँ कीमा हल्का देखो, उसको लई को ना घुमाते फिर लई वो ग्लू से बनती होगी ना आटे से, थोड़ी पता नहीं किस चीज से बनती थी, दादा घर में उसको बनाते रहते थे, पर वो मशीन थी दुकान पे बनती रहती थी पूरा। पापा जब ब्लॉग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे हम क्या बात कर रहे हैं। कि भाई पापा गुड्डू भाई बता नहीं जिंदा है कि मर गए, गुड्डू भाई ने अगर ब्लॉग देख लिया। ओए भाई आपको हमारा सलाम नहीं खैर जानते हो यार, अच्छे बंदे थे बहुत अच्छे भाई। जो बात है लाइट शिफ्ट करते थे आखिर फ्लोर दो, फैक्ट्री थी आपकी समझे, मिनी फैक्ट्री थी वो, वाकई मिनी फैक्ट्री थी, उससे जाता था पूरे शहर में। लेकिन बात तो ये हमारे कीमे के समोसे अपने इख्तिताम को पहुंचे, ये लुक एट दिस। अब हम ये लो जी जाया करवा दिया नुकसान, अब इसको हम नहीं है वापस इसको डिस्पोज करेंगे बायो वेस्ट में, इसको फेंक देना दीगा बायो वेस्ट में फेंक देना नजर ओके नजर फूंक मार के साफ कर लो नजर। मैं तो खा रहा हूं डबल वेडी यार हूं मैं, इनको बोलूंगा लीसा लीसा सिंगर फिल्म। भाई हमारी इफ्तार में ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट रह गए, तो चीज़ें बनना शुरू हो गई हैं, तो मैंने आपको दिखा दूँ। तो ये रजा ने बनाई है चाट, फ्रूट चाट ये है, और साथ में ये आलू के पकौड़े, यहाँ पर ये आलू के पकौड़े किधर ये बन रहे हैं, और इसके बाद जो है वो समोसे, ये रहे समोसे, और अब ये मस्त लाइक एंड पे है। साथ में अधिकारी से दही बड़े भी बनाए हैं, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो ये रहे दही बड़े, छोले छोले दही बड़े, हाँ जी। तो बस 10 मिनट में हम बैठते हैं तो फिर आपको साथ दिखाते हैं ठीक है। और रजा शरबत ही बना लो, हाँ जी का क्या कह रही है, ओके ठीक है ठीक है, चले जी फिर टाइम को। अच्छा तो भाई इफ्तार के हमारी टाइम हो गया है, और अभी हम लोग बस नमाज मगरिब की नमाज से फारिग हुए हैं, तब हम इफ्तार करने बैठ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ हमारी टेबल पे क्या क्या है, फ्रूट चाट, दही बड़े एंड रोल समोसा, शरबत और केचप एंड एवरीथिंग। तो बस तो अली भी रोना शुरू हो गया है, तो हम भी बस इफ्तार करते हैं, रजा को बुलाते हैं, रजा आ जाओ, आ रजा आ जाओ, मेरे ख्याल से रजा कोई दुआ पढ़ रहा है। अच्छा
समोसे का जो है वो रिव्यू आने वाला है, रिव्यू आने वाला है। हाँ जी, मैं देखता हूँ कैसा बनाया, कैचअप से मैंने देख लिया। ये मेरा करता है, इट्स गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बना, वाकई। थैंक यू अधिका, थैंक यू मम्मा, थैंक यू मम्मा, मम्मी। ये देखिए, मैंने उसी आलू के समोसे को बेसन में डिप करके फ्राई किया, और रजा को कीमे का समोसा पसंद आ गया, बहुत अच्छा। मैं मुझे इसके अंदर की कीमे को पराठे से खाऊं। तो बस फिर इंशाल्लाह ये थी आज की हमारी पहली इफ्तार। इंशाल्लाह आपको पूरे रमज़ान दिखाते रहेंगे सब चीज़ें। सो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं आपसे नई वीडियो। बाय बाय।